आज के पूरे दिन की मजेदार खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे की दुनिया तक की हर अप टू डेट खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। फिल्में हो या फिर सीरियल मसाला, सब कुछ हमारे पास है। गॉसिप की दुनिया की हर तरोताज़ा खबरों का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। इसीलिए तो हमारी पैनी नज़रें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर बनी रहती हैं, ताकि आप किसी भी बड़ी खबर को मिस ना कर दें। ऐसे में आज हम फिर लेकर आए हैं पांच बड़ी खबरें। साउथ के सुपरस्टार प्रभास और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। साउथ के जाने माने स्टार कृष्णम राजू इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज सुबह उनका निधन हो गया। एक्टर कृष्णम राजू साउथ के बाहुबली स्टार प्रभास के चाचा थे। इस खबर के सामने आने के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि कृष्णम राजू 83 साल के थे और काफी दिनों से बीमारी से परेशान थे। कृष्णम राजू के इस दुनिया से चले जाने के बाद प्रभास और उनके परिवार के साथ फैंस भी बहुत दुखी हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान और एक्टर कार्तिक आर्यन अपने ब्रेकअप की खबरों को लेकर खूब सुर्खियों में छाए थे, लेकिन अब लगता है कि ये जोड़ी एक बार फिर से करीब आ रही है। ऐसा हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियोस कह रही हैं। कुछ वक्त पहले ही एक दूसरे पर तंज कसने वाले सारा कार्तिक इस अवार्ड इवेंट में एक साथ बैठे हंसते दिख रहे थे। इस वजह से लगता है कि दोनों के बीच का मनमुटाव खत्म हो गया है। सीरियल अनुपमा को लगातार नंबर एक का ताज पहनाए रखने के लिए कहानी में फिर से पुराना एंगल रिपीट किया है। तोशु अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है। हाल ही में मां बनी किंजल को तोशु धोखा दे रहा है। अब अनुपमा के सामने अपने बेटे की करतूतों का खुलासा हो गया है, लेकिन बीच मझधार में फंसी अनुपमा समझ नहीं पा रही कि वो खुद कैसे घर की खुशियों को भंग कर दे। वहीं सोशल मीडिया पर हर तरफ शिवांगी जोशी की एंट्री के चर्चे हैं, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार शिवांगी इस शो का हिस्सा नहीं होंगी। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपनी अदाकारी से सभी का दिल जीत चुके हैं। रणवीर सिंह को हाल ही में अपनी फिल्म 83 के लिए अवार्ड दिया गया। इस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि रणवीर सिंह बैक स्टेज जाकर अपनी पत्नी और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का हाथ पकड़कर उन्हें भागकर स्टेज पर लाते हैं। एक्टर उन्हें देवी लक्ष्मी कहते हैं। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए रणवीर ने लिखा, आप एक सपने को जी रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिन इन दिनों कुछ अच्छे नहीं चल रहे। अब अजय देवगन की फिल्म को यूजर्स ने निशाना बना लिया है। हाल ही में अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म थैंक गॉड का ट्रेलर रिलीज किया गया था। सोशल मीडिया पर इस वक्त थैंक गॉड बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है। ब्रह्मास्त्र और लाल सिंह चड्ढा के बाद अब थैंक गॉड को लेकर ट्विटर पर बॉयकॉट की मांग उठ रही है। यूजर्स अजय देवगन को भगवान चित्रगुप्त के किरदार में दिखाए जाने पर आपत्ति जता रहे हैं। ये थी आज की कुछ तमाम बड़ी खबरें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। ऐसी बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की गॉसिप और मसालेदार खबरों के लिए सुनते रहिए इंडिया टीवी बॉलीवुड पॉडकास्ट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।